मन में उठते अश्लील विचारों से मुक्ति कैसे पाएं? अगर किसी व्यक्ति के मन में हमेशा अश्लील विचार आते हों तो आखिर कैसे उसको रोकें? आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये है ज्ञान की बात YouTube चैनल। मनुष्य की सोच परिवर्तनशील होती है, जो समय समय पर माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमारे चारों ओर सभी चीज़ें नकारात्मक हो रही होती है, जिससे हमारे मन में गलत विचारों का आगमन होने लगता है। ऐसे भाव मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद यानी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव की समस्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऐसे में मन में उठते नकारात्मक विचार और अश्लील विचारों से छुटकारा कैसे पाएं, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में हर समय और हर क्षण अश्लील विचार पनपते रहते हैं, उठते रहते हैं या आते रहते हैं, तो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए, आप जो अश्लील सामग्री अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं उसको पहले सबसे पहले बंद करें। या आप किताब के माध्यम से ले रहे हैं, या इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं, या जो भी माध्यम है, सबसे पहले आपको वो सब त्यागना होगा, वो सब छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा लेते, आपके दिमाग में वो विचार आते रहेंगे। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है अध्यात्म की तरफ रुख करना। यदि संसार में कोई उच्चतम शक्ति का कोई रूप है तो वह स्वयं भगवान है। चाहे आप किसी भी धर्म से नाता रखते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता है जो सही रास्ता है उस पे चलना, और जो अध्यात्म की बातें सिखाई जाती है उसको मानना और अध्यात्म की राह पे चलना। क्योंकि अध्यात्म की राह पे चलने से आप मन में आ रहे अश्लील विचारों या नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे अध्यात्म की ओर चलने का मतलब है आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अध्यात्म की ओर चलें। इससे आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके मन में आने वाले जो अश्लील विचार हैं और जो नकारात्मक विचार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और अध्यात्म की ओर जानने के कारण और अध्यात्म की चीज़ें पढ़ने के कारण, अध्यात्म की चीज़ें देखने के कारण धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आपके मन में आते रहेंगे, और धीरे धीरे आपका मन जो है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा और नकारात्मक विचार और अश्लील विचार आपके दिमाग से पूरी तरीके से निकल जाएगा। अध्यात्म के अलावा अपने मन में उठते अश्लील विचार या दिमाग में उठते नकारात्मक विचार को दूर करने का एक दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने आप को किसी भले काम में लगाएं, या अपने आप को किसी काम में हमेशा व्यस्त रखें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे और अपने मन को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाए रखेंगे तो आपका जो मन है धीरे धीरे अच्छी बातों को ग्रहण करेगा और आपके दिमाग में अच्छी बातें जाएंगी, और आपका मन जो बुरी और अश्लील विचारों से भर चुका था वो धीरे धीरे अच्छे विचारों को पसंद करने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो मन है नकारात्मक विचार और अश्लील विचारों से पूरी तरीके से मुक्त होगा। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, कभी भी गलत चीज़ों के बारे में ना सोचें। इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो दिमाग है और आपका जो मन है अश्लील विचारों से पूरी तरीके से मुक्त होगा। और जब आपका दिमाग और आपका मन अश्लील विचारों और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा तभी आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं और अपने सफलता के बारे में भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ज्ञान की बात YouTube चैनल, और यहाँ पे आपको मिलता है ज्ञानवर्धित जानकारियाँ। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धित जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, लोगों को उनकी ज़िंदगी में सफल बनाना।